नमस्ते, जय श्री राधे कृष्ण। आज बनाएंगे अलीगढ़ के मशहूर बरूला। बरूला बनाने के लिए ये मैंने बेबी पोटैटो लिए हैं, जिनको गर्म पानी से धो करके साफ कर लिया है। आप चाहें तो नए पोटैटो भी ले सकते हैं। और एक कटोरी लिया है बेसन, कटा हुआ हरा धनिया। बेसन को एक बॉल में डालेंगे। 2 चम्मच डालेंगे गेहूं का आटा, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच सौंफ पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच डालेंगे श्याम मसाला, इससे थोड़ी सी हींग, आधा चम्मच धनिया पाउडर, इसी डालेंगे हल्दी कलर के लिए, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, आधा चम्मच डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। सबको मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल बनाएंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि अभी ये गाढ़ा है, आलू पर चिपकेगा नहीं। अब इसमें एक आलू डाल करके चेक कर लेते हैं कि बेसन आलू पर चिपक रहा है कि नहीं। ये देखो बेसन चिपक रहा है, इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर नहीं चिपक रहा तो आप इसमें थोड़ा, अगर गाढ़ा ज़्यादा है तो थोड़ा पानी डाल लें, अगर ज़्यादा पतला है तो थोड़ा बेसन और डाल लें। ये देखो सही कंसिस्टेंसी में है। तो अब तेल गरम करते हैं। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और ये आलू। आलू मैंने 250 ग्राम लिए हैं। आपको मिक्स कर लेंगे। सर्दी में बरूला बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तेल गरम हो गया है। अब इसमें बेसन में डुबो करके एक एक आलू छोड़ेंगे। इसी तरह से पूरी कढ़ाई को भर देंगे। अब पूरी कढ़ाई भर दी है। कढ़ाई में तेल इतना होना चाहिए कि ये डूब जाए। सेकते समय गैस स्लो और मीडियम के बीच में रखेंगे। अगर तेज गैस पर सेकेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब जो बरूला एक साइड से सिक चुके हैं उनको पलट देंगे, दूसरे साइड से सेकेंगे करके इनको दूसरे साइड से भी सेकेंगे। इस तरह से करछी से चला देंगे। बरूला सिक चुके हैं, अब इनको तेल में से प्लेट में निकालेंगे। अब अलीगढ़ के मशहूर बरूला बनकर के तैयार हैं। आप एक बार ज़रूर बनाएं और खाएं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।